कोटद्वार में खोह नदी की सफाई और एसटीपी प्लांट हेतु केंद्र द्वारा 135 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों का आभार जताया। बता दें कि उत्तराखंड राज्य को नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगभग 135 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति गई है। इस स्वीकृति को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार को नमामि गंगे के माध्यम से 135 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कोटद्वार से राजेंद्र खंतवाल की रिपोर्ट। कोटद्वार को नमामि गंगे के माध्यम से 135 करोड़ रुपए दिए गए हैं हमारी खोह नदी में जो नाले गिरते हैं उनको टैप करने के लिए और सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए। मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जो हमारे मंत्री हैं, और साथ ही साथ अपने मुख्यमंत्री जी का जिनकी वजह से आज हमारे कोटद्वार को 135 करोड़ की सौगात मिली है। सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत आवश्यक था कोटद्वार के लिए और इसके लिए